Hey, welcome to Malvan Tour Part 2 from Seema and Kshetij. So Part 2 में we are covering that Avisa Nila Beach Resort जहाँ हम ठहरे थे. One of the nice resort हमने जो देखा है अभी तक का, जो बीच के बाजू में है. दो फ्लोर का बिल्डिंग है, दो अलग अलग, और सामने स्विमिंग पूल और उसके सामने बीच, और जो व्यू है दैट इज रियली awesome. दोनों हर एक फ्लोर पे जो रूम से दोनों सी फेसिंग से, दोनों में आप मस्त व्यू मिल सकता है. यू कैन सी द हाउ द स्विमिंग पूल इज एंड नेक्स्ट टू द स्विमिंग पूल इज ऑसम बीच, वन ऑफ द नाइस रिसोर्ट आई सी. और ये है आपका रेस्टोरेंट, एंड एक बेस्ट चीज है फॉर फैमिली, आपका डिनर है, आप बोल सकते हो कि मेरा स्विमिंग पूल बाजू में लगाओ. यू कैन हैव कैंडल लाइट डिनर एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. उसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग वी वेंट टू मालवन राइड्स, वाटर राइड्स. ओके, यहाँ से देर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वी फाइंड आइलैंड्स. एक है सुनामी आइलैंड, उसमें से जहाँ हम जाके वाटर राइडिंग, सो वाटर स्पोर्ट्स करने वाले हैं. राइट, देर आर डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स हियर. आइदर वी कैन हैव फॉर एग्जाम्पल बनाना राइड्स, यू कैन हैव जेट स्की, यू कैन हैव सोफा राइड एंड सो ऑन. ओके, यू कैन सी ऑन द ब्रिज ऑन द सुनामी आइलैंड. इसका डिफरेंट पैकेजेस है, हर पैकेजेस की इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. रियली यू कैन एन्जॉय दैट, टेक दैट पर्टिकुलर पैकेज. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू शुड नॉट मिस दैट इज पैरासिलिंग. यू मस्ट गो फॉर पैरासिलिंग. अगर आप मालवन में हो और लाइफ में आपने कभी पैरासिलिंग नहीं की है, तो ये पैरासिलिंग आपको करना ही चाहिए. वन ऑफ द नाइस एक्सपीरियंस. जब भी आप नीचे से ऊपर जाते हो, मी एंड सीमा यू कैन सी हियर, ऊपर जो टॉप पे जाते हो तो जो मजा है वो अलग ही है, एक स्वर्ग है ऐसे. ओके, तो मालवन में आके अगर दो चीज़ आपने नहीं की तो अपने मालवन नहीं की, और एक चीज़ उसमें से ये है पैरासेलिंग. दूसरी चीज़ क्या है मैं आगे बताता हूँ आपको. सो डोंट मिस दिस, गो फॉर पैरासेलिंग, रियली ऑसम एक्सपीरियंस. उसके बाद में आगे ही है सिंधुदुर्ग फोर्ट. अराउंड 30-40 मिनट्स आप यहाँ जाके स्पेंड कर सकते हैं. ये इसके चारों बाजू में पानी है, यू कैन एक्सप्लोर द टॉप कैसे ऊपर ग्रीनरी है ना, ऑल दैट फोर्ट है, एवरीथिंग यू कैन सी एंड एन्जॉय द ग्रीनरी ब्यूटी, रियली ऑसम फोर्ट. मेन इम्पॉर्टेंट ये पानी में है. राइट, अगर आपने कभी फोर्ट नहीं देखा हो तो देख सकते हो. और उसके ही बाजू में आप आओगे देन यू विल सी एक रॉक गार्डन है. ओके, ये बीच साइड का व्यू है. अंदर आप देखोगे फैमिली के लिए अच्छे राइड्स है, छोटे बच्चों के लिए, किड्स के लिए. There are different rides, okay, some games also किया है. Plus if you come at evening, वहाँ light का show होता है. Okay, lights and your water. Okay, so fountain का जो show होता है that is amazing at evening, around 7 PM. Right, and specially अगर आप photo के लिए जा सकते हो तो यहाँ photo खींच सकते हो. आपका आधा से एक घंटा कैसे जाएगा आपको समझेगा. So that is Rock Garden. And with that, मुझे दूसरी चीज बोली थी एंड दैट इज नथिंग बट स्कूबा डाइविंग. मालवन आए हैं तो पहला चीज आई सेड पैरासेलिंग एंड दूसरी चीज स्कूबा डाइविंग. आपने स्वर्ग तो देखा नहीं रहेगा, पर आपको स्वर्ग पानी के अंदर देखना है, दैट इज स्कूबा डाइविंग. और ये मालवन में अगर आ जाओगे देवबाग के बाजू में वहाँ करना, बिकॉज यहाँ डीप लेवल अलग अलग होती है, 10 फुट, 15 फुट, 25 फुट. ओके, सो आज देन इसकी जो पैकेज की इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में. सो दिस इज स्कूबा डाइविंग. आपके सामने ऐसे कलरफुल पॉम्पलेट, ठीक है, आई डोंट नो फिश नेम्स बट यू विल एंजॉय दैट. ये भी आप ऊपर से नीचे आते हो तो आपको कुछ गिफ्ट दिया होता है, ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन आपके नीचे लगा रहता है और आपके मुँह में वो गिफ्ट दिया होता है, सो यू कैन ब्रीथ प्रॉपर और पूरा पूरा है, सो यू कैन पकड़ के आप पूरे मजे ले सकते हो, फिश को टच कर सकते हो. ऐसे आपके सामने से कलरफुल फिशेज आते हैं ना, दैट इज रियली.
स्वर्ग, गुलमोहर पानी के अंदर का स्वर्ग है। तो मालवा में देवगा देवबाग बीच अगर जाओगे तो मालवा में दो चीज़, एक पैरासीलिंग, दूसरा स्कूबा डाइविंग, दो चीज़ करना भूलना मत। बाकी सब चीज़ें आपको और जगह में मिलेगी, ये चीज़ यहाँ आपको स्पेसिफिक फैमिली शूट। तो हमने यहाँ बहुत मज़े किए हैं स्कूबा डाइविंग के अंदर। आई होप आपको ये अच्छा लगा रहेगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।